दोस्तों, देश की सबका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं दुर्गा पूजा के अवसर पर रियल लाइफ में जो माँ दुर्गा के स्वरूप हैं, माँ दुर्गा जैसी साहसी हैं और अपनी अपनी निजी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करके अपने क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, वैसे पर्सनैलिटीज से आपको मिलाऊंगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल अदलखा। डॉक्टर पारुल अदलखा साइकोलॉजिस्ट हैं। इस देश में साइकोलॉजिस्ट होना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। पहले तो मैं यहीं से शुरू करूँगा आपसे बातें करना कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको, अगर आप डॉक्टर हैं और भी मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में। तो एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल ठीक कहा, डॉक्टर होना और मेंटल हेल्थ के फील्ड में होना में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है मेंटल हेल्थ के फील्ड को लेकर, मेंटल हेल्थ इशूज को लेकर, मेंटल इलनेसेस को लेकर। तो उसका सामना करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है हमारे लिए कि पेशेंट्स को कई बार पता नहीं होता कि ये क्या है, कहीं दूसरे थेरेपीज में चले जाते हैं जो साइंटिफिक नहीं है। तो उनको समझाना कि क्या साइंटिफिक है, क्या नहीं है और कैसे थेरेपी हेल्प करेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीमारी से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करना, इसमें ज़्यादा समस्या आती होगी क्योंकि सुपरस्टिशन बहुत है अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो, क्योंकि इस देश में मेंटल हेल्थ नामक कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं। एब्सोल्युटली, अब क्योंकि लोगों को थोड़ा अवेयर हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, बट उनको पूरी तरह से समझाना कि क्या होता है, और ये भी बीमारी ही होती है जैसे हमारा नॉर्मल कोल्ड होता है, फीवर होता है, बट इस बीमारी का इलाज कराना ज़रूरी है, ये बातें बताना उनको इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, लोगों को बताना जरूरी है कि इलाज जरूरी है मेंटल हेल्थ की। जैसे शरीर के दूसरे अंग इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारा माइंड भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, इतना सारा क्षेत्र है, क्योंकि अगर कोई रिमोट क्षेत्र से बिलोंग करता है तो उसके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। फैशन डिजाइनिंग करना हो, फिल्म मेकिंग करनी हो, या दूसरे क्षेत्र में जाना हो लिक्रेटिव सेक्टर्स में, तो नहीं जा पाते हैं। लेकिन दिल्ली में सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद आप ये क्षेत्र चुनी, आप इंस्पिरेशन क्या था इसके पीछे? मेरा हमेशा से साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, स्कूल से ही। स्कूल में भी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, उसके बाद पढ़ने के बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैंने मास्टर्स की, फिर बैचलर्स भी करी साइकोलॉजी। इंटरेस्ट बढ़ा आपको इसलिए आपने सर, हमारे देश में क्या होता है, सक्सेस को हम मॉनेटरी एंगल से ज़्यादा देखते हैं, आप कितना कमाते हो सिंपली। हम सब अपने अपने घरों में इस सवाल का सामना करते हैं, कभी पापा ने पूछा, मम्मी ने पूछा कि मुझे क्षेत्र क्यों, आप कुछ और बनती है पैसा भी कमा सकती थी। बिल्कुल नहीं, सरप्राइजिंगली मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, तो वो भी पैरामेडिक फील्ड से हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, तो उनको पता है सब चीज़ों के बारे में, वो भी ये सब चीज़ें फेस करते हैं पेशेंट्स की अवेयरनेस के बारे में, साइकोलॉजिकल इश्यूज इन स्पीच एंड एवरीथिंग, तो उनको आइडिया था, तो उन्होंने कभी वो बैरियर नहीं बनाया। तो जब मैंने बताया कि मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है, तो मुझे बहुत सपोर्टिव। बीइंग अ गर्ल कितना चैलेंजिंग होता है एक प्रोफेशन को चुनना और एक प्रोफेशनल बनना, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है, बाहर जाना होता है, आपको रिसर्च करने के लिए लोगों से मिलना होता है। जब आप जाती हैं बाहर तो क्या ऐसा कुछ लगा कि यार कैसा देश है हमारा, क्या सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि देखा जाता है, देखिए भारत में अभी देखा कितने रेप कल्चर है, मोलेस्टेशंस हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, ये देश देवियों का देश है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्या। मैं आपका निजी विचार जानना चाहूँ, आपका ओपिनियन क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, वीमेन डोंट फील सेफ इन द सोसाइटी, गोइंग आउट एंड गोइंग डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ करना है तो उसमें आप इसको बैरियर बना के रखें। अगर आपने कुछ करना है तो आप बाहर निकलें, बिना बाहर निकले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको यस, इट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट इसको अगर हमने बैरियर बना लिया तो हम आगे फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम कैसे घर पे बैठे बैठे कैसे कुछ करेंगे ना। तो हाँ, आई प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग भी ऐसे होते हैं, सोसाइटी भी ऐसी होती है, बट उससे हमें मूव ऑन करना है। तो अगर कोई एम बना लिया कि ये करना है, तो उसको पाने के लिए स्ट्रगल्स तो आएंगी, बीच में परेशानियाँ तो आएंगी, उनको ओवरकम करना, उन पर ज़्यादा ध्यान ना देते, अपने गोल पर ज़्यादा ध्यान दें, कॉन्फिडेंस से बढ़े उस गोल पर, तो कोई नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, कॉन्फिडेंस से अगर आप आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास अगर आपकी सही है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसा है इस संसार में जो एक लड़की नहीं कर सकती है। हाँ, मुश्किलें आएंगी। मैं पारुल जी आपसे जानना चाहूँगा, कोई ऐसा वाक्य है जो आपको, इतने सारे आप पेशेंट से मिलते हैं, स्पेशल पेशेंट जिनसे आप बिल्कुल प्रभावित हुई, तो आपको लगा कि नहीं मैंने सही किया इस क्षेत्र में आगे, मैं ये
काम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का इलाज ढंग से हिंदुस्तान में नहीं हो पाते हैं। सारे ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना, कई बार कई पेशेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि थेरेपी होती क्या है। कई अपने घर पे बताते नहीं कि हम थेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि घर वालों को आइडिया नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो क्या सोचेंगे कि तुम पागल हो, तुम क्यों जा रहे हो, इसकी तो कोई इलाज थोड़ी होता है, बातों से कैसे इलाज हो सकता है किसी चीज़ का। तो जब वो समझते हैं और फिर उनके घर वाले समझ के फिर आपको फीडबैक देते हैं कि नहीं नहीं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिली और ठीक हुआ, तब लगता है कि हाँ अपना गोल अचीव किया है थोड़ा बहुत। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं डॉक्टर पारुल की वे बाकी से अपनी बात रख रहे हैं कि अगर आपने कुछ भला किया हो तो आपको फील होता है कि हाँ आपने कुछ किया। जो टीनेजर लड़कियां हैं, मैं लड़कियों पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ बिकॉज दुर्गा पूजा का अवसर है, लोग माता की बातें करते हैं, देवी की बात, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि टीनेजर जो लड़कियाँ हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से हमारा देश इतना उन्नत देश नहीं है कि सब कुछ घर पर मिल जाए, तो बहुत लड़ना होता है, उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हर प्रॉब्लम को फेस करके आप जो भी उनकी उनका लक्ष्य है उसको हासिल कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप एक गोल बनाएं, अपना कॉन्फिडेंस रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि सब कर सकते हैं और लड़कियाँ तो स्पेशली इतना कुछ कर रही हैं तो उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता आप कुछ करने से। तो एब्सोल्युटली जस्ट कीप योर will strong, just keep confidence in yourself and go ahead with your goal and you will be able to achieve it always. When you was in college and you chose medical sector, what was your tips to motivate yourself? आप क्या करती थी अपने आप को motivate करने के लिए? मैं motivate करने के लिए मैं I used to read a lot. जैसे आपने कहा आपको movies से motivation मिलती है, I used to read a lot. तो reading से जब आप women authors पढ़ते हैं और चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये भी यू नो विमेन हो के अपने फील्ड में कितना कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब हमने बना लिया कि हमें यू नो कुछ आइडिया है, कुछ करना है, तो उसके लिए अचीव करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो हर एक की मेहनत और हर एक की स्ट्रगल पढ़ के तब समझ आता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा मेहनत करें। अपार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या करना पसंद करती हैं? पर्सनल लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, रीडिंग, मूवीज, म्यूजिक, यूजुअल जो सबको करना पसंद होता है, बाहर जाना, फ्रेंड्स से मिलना, ये सब चीज़ें पसंद है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर पारुल अधलखा को, उन्होंने कहा कि निजी जिंदगी में बिल्कुल आम लड़की जैसा ही है। कोई भी लड़की, मुझे हमेशा से लगता है कि कोई भी लड़की, आम लड़की अगर अपने विल पावर को मजबूत बनाए, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए, तो वो कुछ भी अचीवमेंट कर सकती है। लड़कियां कुछ भी कर सकती है, भारत उभर रहा है, समाज बदल रहा है, थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। वो आपका भी सहयोग है, लड़कियों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर अधलखा खुद अपने आप में एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हैं, लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि अगर आपका विल पावर अच्छा है और कुछ खास क्षेत्र जो कि अभी भारत में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकती है। ये बहुत बड़ी उदाहरण है दोस्तों, आगे भी मैं इस तरह का इंटरव्यू लेते आऊँगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आइकन बटन पर उंगली जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।